ईद मुबारक का बैनर भी लग गया है, देख लें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी, बाजी मेहंदी लानी है पे नूरी की, मीठे चावल तो होगी ने तैयार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे ने, उम्मीद करिए ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला सुन सबा के अपने हिफ्ज़ व अमान रखा है। आज है ट्यूसडे ना दिन, पता नहीं तुसों की वीडियो केड़े दे मिल सी, मिकी ते टाइम ही को नहीं लगना एडिट करने ना ते अपलोड करने ना। ते कल माड़े आए ने अबू पाकिस्तानू, ते पूरा एक महीना ते 20 दिन बाद असा नहीं मुलाकात हो सी। ते हाली अबू आए सर के मुझे की दसिया सी के माड़ी अम्मी इनकार कर छुड़ा के नहीं छना चाहे। ते पहली दफा माड़े अबू कल ले आए, सुने सुने लग सन, पहली दफा तक सा उन्होंने कल यूं माशाला जिला अच्छे असने गठे अच्छे गठे जाने। हूँ अबू ने इतना कोई कम सन तो कोई करने से तो वो करने वास्ते आए। मेरे अबू जिस दिन ने रिटायर हो ना तकरीबन 25 ईयर्स हो गए, उनकी पेंशन भी हुई है। तो पाकिस्तान ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जिंदगी इंजॉय करने माड़े यार, उनकी पाकिस्तान बहुत ज्यादा पसंद है, अम्मी की भी अबू की भी। हूँ बस एक महीना रह सन, चार हफ्ते रह सन, फिर वापस चले जा सन। तो अज उन्होंने मिलने वास्ते जा सा, कल आए सन तो मैं ख्याल रेस्ट करी कि ना, फिर अज मुलाकात हो सी, कल फोन पर गल हुई सी, अज जुलसा उन्होंने मिल सा, उस तो बाद ईदी नहीं शॉपिंग कर सा। माड़े हेला वेनसडे ईद हो सी, कल वेनसडे है तो कल ईद हो सी, तो ईदी ने ग्रोसरी वगैरह किन सा और ईदी ने डेकोरेशन भी कर सा, तो बड़े कम अज। तो चलो फिर शुरू करने अज नहीं वीडियो। अच्छा जी, इस वक्त तो जा ही रहे हैं बावे की मिलने। नूरी ने बावा आए, नूरी बावे की मिल सो, क्या पूछ सो ने नानी की यानी आए। ओ, नानी की मिस करनी है तो विकी क्या पूछ सी क्या कर से सलाम अलैकुम कर से हाला, तो नानी ना पूछ सी यानी नानी ना पूछ सी। नूरी तो नानी की मिस करनी है, नूरी की जाना पैसी हूँ नानी की मिलना है, बिकॉज नानी नहीं अच्छा है। जैसे पाकिस्तान शिल वी गो इन समर हॉलीडे, चलो फिर टिकट बुक करने हैं। ये देखें जी, चेरी ब्लॉसम जी मतलब कि बाया सी भाई पिंक वाले असन रोडा पर भी निकले होने, तो निकले वाले हूँ इतने खूबसूरत लगने ने पे। तो मौसम थोड़ा जरा साफ नहीं है, चुप छुप है ना, ज्यादा खूबसूरत लगन। अज चढ़ पे आवा बारिश लेके खलती है, और ये देखें पिंक रियली ब्यूटीफुल कलर, और कणे इतने कि जितना कोई झूठ मारा है। ये देख लें आप लेनो लेन कतीरो कतीर, ये मैं हम दो चौ दिन बाद खत्म हो जा तुसा की दसाली कि ना चिट्टे आले सी चिट्टे खत्म हो गए तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? जय राम मिल बा ना आने तू नूर है जे तू तो बहुत बड़ी हुई है कत करी हो रे बड़ी कली हुई है। थैंक यू यार, वेरी गुड। नूरी रोजा कौन रखिया इस टाइम असा मिली के अबू जी की तुले हाँ बरी पार्क असा ईदी ना सौदा चाहिए कि ना कोई सारी लगने के कल ईद है। वैसे असा मुसलमाना की पता को नहीं लगना आखिरी टाइम है जी ईद सनी कदू है, जिन्ना मंडे रोजा रखा सी उन्होंने वेनसडे जेडे ने वो ईद बननी है, जिन्हें रखिया ट्यूजडे उन्होंने नतियां रोजियां पर ईद बनी है, वेनसडे कुछ थर्सडे भी ईद करी रहे। तो यह हालात ने यूके ने तुम दसनी है कि रश कितना वै बरी पार्क। और नूरी बाबा के मिली आयो तो पूछा से नानी ना कहने सन आने सर नहीं अच्छा तेरी नानी बाबा वाले सर नानी नहीं अच्छा चाहे, तो हूँ नूरी जासी मिलने वास्ते है ना। ये देखें जी कितनी पब्लिक है, असा ट्रैफिक जितना फंसे हुए हैं और अगे बंदे ही बंदा तक साहब ही कोई नहीं, बहुत ही रश है अज। इस टाइम असा गड्डी च बैठे हुए वेट करने पे हैं राजा और गेट मीट जाने वास्ते, फोन पर ऑर्डर दिया सी क्योंकि मीट शॉप बहुत ज्यादा बिजी होनी है ईदी तो पहले। अगर दूसरी शॉपिंग नहीं गल करने जी होनी है जनानियां ने कपड़े चीले ने जुत्ती ने चूड़ियां ने, वह तो मैं कदे कीती भी नहीं। पाकिस्तान जानी रहनी है तो उतु चाहिए कि कपड़े जल्द कोई नवा सूट होना तो वो लाई कि
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਬਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਸਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਿਕਨ ਸ਼ਿਕਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਸਾਂ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦੀ ਨੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜੁਲੇ ਆ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਬੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਡੈਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਪਰ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਬਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਕਬਾਬ ਬਣਾਸਾਂ ਔਰ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਏਂਗੇ ਪਕੌੜੇ ਇਸਮੇ ਮੈਨੇ ਡਾਲੇ ਹੈ ਦੋ ਅਦਦ ਔਰ ਆਲੂ ਕਾਟ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਇਸਮੇ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਮਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੜਾ ਮਿਰਚ तो अब इसको मिक्स करेंगे पकौड़े बना लेंगे जल्दी जल्दी फ्रूट मैंने पैक कर लिया है पहले उन्हें की फारक करो ना फिर बच्चे ने इफ्तारी वास्ते में यही चीज़ा सुन ये भी बना सा उन्होंने वास्ते में तो दुआ ये है कि डेकोरेशन स्टार्ट करा नाल थोड़ी बहुत कुकिंग करी कि ना तो जे ईदी अल तरह जरख घट कुकिंग करनी पवे यह गल है यह बात है ये मैं तुसें की कोशा बाया तुसा किसा की बाए ना में एक दड़ा पहले राती कुकिंग करी कि नहीं होनी ऑयल गर्म हो गया ये थोड़ा जहा आलू कटने कटने उ रखी छोड़ा तो वीडियो बनाने लगी पी ईता सारा मसला ये वीडियो बनाने वाले बंदे ना ईता मसला बनाना अद्धे बिच कम छोड़ी गया तो कैमरे आले पास ध्यान लगा जाना अद्धे चिप्स पकौड़े कट्टे न अद्धे लंबे लंबे कट्टे न जड़ा उवे मिक्स पकौड़े तो मैं रही हूँ बनाई हूँ बनाई कि ना कबाब पहली हवा या आखिरी हवा असानी अफतारी दूरी है पकौड़िया तो बगैर बच्चे ज्यादा कबाब पसंद करने मैं पूरे रोजों कबाब नहीं मुक्न दिते या कीमा बना के फ्रिज रखी रखनी तो या रोजों पकौड़े भी तकरीबन रोज ही बच्चे जरा कोई मैं डिफरेंट चीज बनानी सड़ा मैं विलॉग बनानी सी सी रोज फिर सेम सेम ही हो जा रोज पकौड़े रोज पकौड़े इस वास्ते आई होप माड़िया रमजान दी वीडियो तुम्हें पसंद आई सुन पसंद आई ने तो कमेंट करके दसे मेहनत बड़ी की है मैं एक तो रोजा रखा वै उदू फिर वीडियो वाले पास ध्यान उधरों फिर अफतारी वाले पास ध्यान फिर सारा कुछ जरा ना करना पैना सी दौड़ दौड़ो दौड़ उधरों मैं कमे पर ही जाना होना सी त्रै दड़े करनी भावे उस वाले चार दड़े बुलाए कि चलो जी कोई अल्लाह नहीं करनी ऐसी हुई कि पूरा माह रमजान बरकत महीना जरा मैं गिफ्टा ही ओपन करनी रही हूँ अज फिर एक, एक गिफ्ट आया अक्सा की तरफों सुन तक सकने कि ये अबू और आंदी है बर्फी उन्होंने पता है मैं बर्फी लाई करनी हाँ तो पाकिजा नहीं आधा किलो बर्फी आंदी ने बाकी ये गिफ्ट ये रेड रेड गिफ्ट कितना खूबसूरत तरीके से पैक किया गया है इसके ऊपर लिखा है खाला नगीना वाओ अक्सा जी तुसा बहुत कुछ करने पे हो ना सराना करिया करो ओके ये देखें जी खाड़ी का बैग उसके अंदर वाओ दिस इज रियली नाइस ईदी देने वाले एम्बुलफ इतने खूबसूरत जे इसने पूरा पैकेट खाड़ी चू मिलना वे आई थिंक जानी वे मैं ईदी देसा बच्चों की इसने बिच बह के दया या किसी की भी दया तो खूबसूरत लग सी ए उस वास्ते है उस तो बाद परफ्यूम वह भी जबरदस्त खाड़ी नहीं ये देखें और ये देखें जबरदस्त जी ये भी थ्री परफ्यूम्स और ये मोर उम्बलफ ईद मुबारक उपर लिखा ये तकी कहने ईद मुबारक लिखे इन्ह पर तो ईद कार्ड आए थे जने जे निके होने असा किन्ने होने बड़े शौक ना पियाँ सहेलियां कि देने स्कूलों
या इधर जेडे बंदे होने सन असा पाकिस्तान जिला होने सन यूके च भेजने होने सन अपने भाई की या अपने सिस्टर की या अपने कजन की या इस तरह ते ये और याद ताज़ा हो गई है। इसमें ईद मुबारक लिखा हुआ है, ये देख लें यहाँ पे उर्दू में, ये देखे कितने प्यारे उंगलफ हैं। ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, बहुत ही यूनिक चीज़ लगी है एज ए गिफ्ट। तो इसने बिच मैं ईदी पा के ते बच्चों को दे सा। यस, और ये मैं परफ्यूम चेक करा हाँ, आई होप रोज़ा नहीं खराब होना परफ्यूम ना। बहुत ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, कसम से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। इसका नाम है स्वीट ट्रीट और इसका नाम है क्रिस्टल ब्लश और इसका नाम है मून स्ट्रोक। ये तीन परफ्यूम्स हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की खुशबू है इनकी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब शुरू करते हैं डेकोरेशन वगैरह, वो तो मैं सुबह की आपको बता रही हूँ। काम मेरे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे फिक्र लगी हुई है कि रात तक कंप्लीट होंगे या नहीं, तो अभी शुरू करते हैं थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन प्यारी प्यारी ईद मुबारक वाली। लुक नाइस। ईद मुबारक वाला बॉक्स ऑर्डर किया सी, मैं समझिया सी वे इसने नाल लैटा इस सन, मैं समझ नहीं रही हूँ फोटो तक ही कह, मैं पढ़नी को ना होता है, फिर बाद ही पता लगना भाई लैटा को नहीं सन नाल। हूँ मैं क्या कर लिया, ये बॉक्स बना लिया तो लाइट असा को ऑलरेडी है वह एक होल यूज कर सो, देखने कि कैसा लगता है ये बना के, ऐसा तरीका दसिया। उस तो बाद इसने पर मस्जिद खूबसूरत जी बनती भी है और इसकी असेंबल करने बल्ले बल्ले नीली बनी गया जी, नीली नीली वेर नीली दे कदे पुट्ठा तो कदे सीधा किता हुआ। तीन बॉक्सेस आते हैं सेट में, इस पर लिखा होता है ईद, ये डी है, ऐसे है, ऐसे 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 ये देखें जी रेडी हो गया है या चंद तारा और आई और ये मून, पता नहीं क्या क्या लाइटा कि हाँ। और इसने भी चुन बस लाइटा तो थोड़ा जहा मैं तो नजारा करानी है कि बाइक के जा लगना गोल्ड बो, इसने थोड़ा बड़ा करो, इसी रमजान करीम वाले बलून डाउन कर सा और ईद मुबारक वाले आप यू कैन प्ले विद दिस। तो को जी पूरा महीना लगे रहे, कोनी फटे कोनी नठे तो कोनी निके हुए, ये निका हो गया थोड़ा जा नूरी ना की प्ले करके था फारसी ने बैलून बनना शुरू करने। ईद मुबारक हम सबको ईद मुबारक, देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी डेकोरेशन। असा गरीबा को ये जी होनी है भाई तक्की किनो बस हूँ दसिया भी के जी पसंद आई है या नहीं। वो बॉक्स माड़े ख्याल बहुत खूबसूरत लग सन क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं ऑर्डर किते न। ये ब्यूटीफुल लगने थे स्टार इनसाइड द बलून। ईद मुबारक। अच्छा जी ये वाला बैनर जरा हूँ ये ओपन करने हैं और तकने हैं एक किस तरह लाना है। ईद मुबारक का बैनर है ये, साथ में ये स्ट्रिंग है, इसने विच परौनी पेसी मड़ है लच ये देख लें आप ये लेटर्स सारे ईद मुबारक वाले। ओके फाइंड मी ईद फर्स्ट। ये तको जी नाल प्लास्टिक ने सुई दी है ना, पता नहीं कितने सालों तो बाद मैं आज सुई जी इस्तेमाल कर लिया ईद की खुशी विच, ये भी करना पे सी ऐ ता इसने विच बस आज जी स्ट्रिंग जी दी ने ई जासी ना पहले ई अच्छी नो यू डू बैकवर्ड्स के जासी पहले के जासी पहले जी ये बुझने चाहिए मैं पता कोने बिकी
ਪਹਿਲੇ ਖੇ ਜਾਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਈ ਜਾਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਈ ਦੀ ਜਾਸੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਬਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਪੱਕਣੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਐਂਡ ਪਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਆ ਲੱਗਸੀ ਵੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਵੈ ईद मुबारक का बैनर भी लग गया है देख लें आप कितना खूबसूरत लग रहा है ईद मस्जिद मुबारक देख मिडिल में स्पेस डालने के लिए मस्जिद लगाई है हमने ये मैं बता रही हूँ आपको ईद मस्जिद एंड मुबारक और बलून्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं तीन कलर में ये देख लें आप जिस तरह के मैं तुसा की बाया सी कि इसने नाल लाइटां कोनी सन ते फिर असा देसी जुगाड़ लाया वे ये असा को लाइटां पईयां सन जिहड़ियां किचन च लानियां लियाउणियां न या गार्डन च भी कई मतलब लाने डक लाइट्स या पता नहीं क्या लाइट्स आई कैट आई लाइट्स आखने ने या क्या आखने ना कि मेरे को पता नहीं लेकिन ये लाइट्स हमने इसके अंदर जला दी हैं बालून हमने डाल दिए हैं देखें आप कितना खूबसूरत हमारी डेकोरेशन इसे ऊपर रखा ईद मुबारक या टेबल पर रखा मेरी तरफ से आप सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद अल्लाह ताला ईद समझते खुशियां ना बायस बनाए और अल्लाह ताला तुसा सबा पर सलामती माशाल्लाह जी देख ले हमारा टेबल रेडी हो गया है इफ्तार टाइम माशाल्लाह जी इफ्तारी तो बाद बाकी ने कम शम करने हूँ मिलसा तुसा की इफ्तारी तो बाद ही पहले इफ्तारी वाले बर्तन धोई रहा फिर बाकी ने कम शम शुरू कर सा मा दिल है भाई गोश्त वाली छोड़ा रोस्टा की मसाला लाई छोड़ा साफ करके चिकन और मिठे चावल बनाई छोड़ा ये त्रै काम कदे हो जाना तो फिर मारते आसानी हो जैसी सुबह इतना कम नहीं हो ला ये देखे जी चिकन को मसाला मैंने लगा लिया है राती हूँ पूरी इसकी रखसा फ्रिज विच इतना नाइस सुबह तक मैरीनेट हो जासी ना कलर थोड़ा जा लाइट है तंदूरी मसाला थोड़ा जा और भाई छोड़ने ऊपर छिड़की छोड़सा इस तरह नूरी क्या करनी है मेहंदी लवाने हो नूरी नहीं तो ईद है ना रोजे रखे सी कुनी ते फिर थोड़ी तो ईद नहीं होनी सो सो तो भी हिंदी लसे सो के पंजा मेहंदी है वैसे लाई ना ईद है वैसे मेहंदी लाई ना तुम्हारा सी ईद नाइस कपड़े लासी नूर ये देखें जी बाजी मेहंदी लानी है पेड़ नूरी की इसी लाइक है फिर मिकी लासी है ना लिशा मिठे चावल तो हो गए ने तैयार और तुसा तको और मिकी बहो कि इसने विच किस चीज नी कमी है एक चीज नी कमी रहेगी है माड़े को इधर खीर भी पकी पकी क्या होगी तैयार इधर मटन बॉयल होने वास्ते रखा हुआ है तो बड़ा बस राती जड़ा मैं कम किया वो यही है चावल बनाई छोड़े खीर बनाई छोड़ी है और मटन बॉयल करी छोड़िया बाकी इंशाल्लाह मैं सुबह करी दिसा डिश तैयार की हम खीर डिश आउट करनी है जो भी ईद अच्छी है तो मेरी बचपन की ईद याद आ जानी है जिस वक्त पुड़िया वाली मेहंदी होनी सी तो पेशी ले मैं अम्मा ने मगर हो जानी होनी सर उम्मा सुते होने सर मैं उन्होंने जगह जगह के पूछनी सर अम्मा मेहंदी को ला अम्मा मेहंदी को ला
ਬਾਰੀ ਨੇ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਸ਼ੌਣ ਇਤਨੇ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ੌਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਇਹ ਸੀ ਮਾੜਾ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਚੌਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਈਦ ਨੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਸਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਸ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।